एक बैटरी डाउन हो गई है ऑलरेडी, जल्दी जल्दी करना होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस से वैशाली आ गई हमारे चैनल पे। तो आज ये जो लुक आप देख रहे हैं वैशाली का, ये मैंने किया है जी हाँ, जो वैशाली को बहुत पसंद आया है। बहुत ही पसंद आया मुझे। आई लव यू भाभी, सीरियसली हम लोग ये प्यार है, वैसे तो ये चलता रहता है, ये हम लोग का प्यार है, ये चलता रहता है, ऐसे भी चलता रहता है। तो गाइस, मैंने क्या प्रोडक्ट्स यूज किए, कैसे मेकअप किया वैशाली का अकॉर्डिंग टू हर स्किन टोन और उनके पसंद के हिसाब से, सटल सा, एकदम सुंदर सा, तो वो आप जरूर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सेकेंड जो है आज की वीडियो, वो है कि वैशाली मेरा मेकअप करेंगी। मैंने उनका मेकअप करते हुए उन्हें सिखाया है और आप लोगों को भी सिखाया है, तो मैं देखना चाहती हूँ वैशाली कितना सीखी है, तो मैं उनसे अपना मेकअप करवा रही हूँ। इट्स अ चैलेंज फॉर हर, ये चैलेंज है, मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि मेरा मेकअप करो। तो चलिए वापस से हम स्टार्ट करते हैं। पिटारा लेके बैठ गए हैं ना वैशाली, पिटारा है हम लोगों का, पूरा पिटारा लेके बैठ गए। अब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं कैसे करेंगे, और हो सकेगा तो हम अभी मेकअप कर ले रहे हैं क्योंकि वैशाली बोलते हुए शायद मेकअप कर नहीं पाएंगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं बाद में वॉइस ओवर कर दूं। अभी मैं वैशाली को अलाउ कर रही हूं कि आप सिर्फ मेकअप करो, बोलो मत, बोल मैं बाद में दूंगी, आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले वैशाली ने मेरे फेस पर जो है रोज वाटर स्प्रे किया है। रोज़ वाटर आप अगर स्प्रे करते हो तो आपका स्किन जो है वो अच्छे से हाइड्रेट हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कोई भी मिस्ट आप अप्लाई कर सकते हो, ग्रीन टी हो आपके पास रोज़ वाटर हो आपके पास, टी ट्री हो आपके पास, लेवेंडर हो, कोई भी हो, बट सबसे अफोर्डेबल और ईजी एक्सेसिबल होता है रोज़ वाटर। सो आप वो कर लो और अच्छे से उसे मिक्स कर दीजिए। एंड मैं यहाँ पे वैशाली को एक्चुअली वीडियो में सिखा भी रही हूँ, तो इस वजह से हमने वॉइस ओवर ही प्रेफर किया है। एंड इसके बाद वैशाली ने मेरा नीविया लाइट मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया हुआ है, और मॉइस्चराइज़र ये वाला मुझे फील हुआ है कि ये विंटर के लिए मुझे पसंद आया, बट ये मुझे गोवा में नहीं अच्छा लगेगा बिकॉज वहाँ पर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी होती है। तो इफ़ यू हैव ड्राई स्किन आप इसे शायद लगा सकोगे ऑल सीजन, बट इफ़ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन कॉम्बिनेशन स्किन तो आई थिंक आपको ये नहीं पसंद आएगा उतना। इन विंटर्स ये काम कर जाएगा। पर तो वैशाली ने बहुत अच्छे से मेरा मॉइस्चराइजर लगाया था, और उसके बाद प्राइमर के लिए ऑब्वियसली सेम प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है जो कि है स्मैशबॉक्स का। मैं ज़्यादा प्रोडक्ट लेकर ही नहीं आई थी, तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा था एक्चुअली मुझे थोड़ा। तो अभी वैशाली ने मुझे ये वाला प्राइमर अप्लाई किया, ये ऑयल एंड शाइन कंट्रोल है। तो अगर आपके पास विंटर में आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो, तो वही मैं उसे बता रही हूँ इस वीडियो में। और मैंने उसको ईजी करने के लिए, क्योंकि फिर वो कॉन्शियस हो जाती कि भाभी मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, आपकी तरह मैं बोल नहीं पाऊँगी, ऐसा सोचती, इस वजह से मैंने उसको बोला कि तुम करो, मैं बाद में वॉइस ओवर कर दूंगी। तो अभी वो फिटमी फाउंडेशन जो मैं लेकर आई हुई थी, वही वाला फाउंडेशन उसने मुझे लगाया है, एंड बिल्कुल सेम तरीका डॉट डॉट करके उसने अप्लाई किया। एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो क्विक लर्नर है और उसने अच्छे से सीखा है। ये वीडियो हमने लिटरली बहुत फास्ट बनाई थी बिकॉज मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बैटरी बची हुई थी कैमरा में, और हमें शूट करना था, मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरी भी नहीं था क्योंकि ये कैमरा अभी मैंने न्यू कैमरा मैंने अभी यहाँ पे लिया हुआ है। सबका वीडियो आएगा मेरे ब्लॉग चैनल पे, आप देख लीजिएगा, तो उससे मैं शूट कर रही थी। अभी वैशाली ने मुझे कंसीलर भी अप्लाई किया है विच इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी, और कंसीलर उसने डॉट डॉट करके अप्लाई किया है। देखो, ज़्यादा आपको कवरेज चाहिए आप ज़्यादा, मैं जैसे अप्लाई करती हूँ जैसे मैंने वैशाली को किया था, आप उस तरह से कर सकते हो, बट इफ़ यू वांट कि नहीं बहुत हल्का सा लाइट लाइट आ जाए बस थोड़ा सा, तो वो हो जाएगा। मैंने उसे अभी यहाँ पे बताया कि फोरहेड में भी लगाओ, चिन पे लगाओ, चीक्स पे जहाँ मेरे डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पर लगाओ, एंड उसे ब्लेंड कर दो हल्के हल्के हाथों से। तो उसने वही किया और ब्रश से ब्लेंडिंग भी किया। मैंने थोड़ा फास्ट एडिटिंग किया है इस वजह से, क्योंकि मैं चाहती थी कि अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है जिसमें वैशाली को मैंने किया है, तो वो भी आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, क्योंकि हमारी बैटरी ओवर हो रही थी गाइस, तो इस वजह से मुझे ये वीडियो, और हम हंस भी इसी बात पर रहते। और अभी यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट अप्लाई करवा रही हूँ जो कि बॉन्जोर पेरिस का है, आप लूज़ पाउडर भी लगा सकते हो। बहुत लाइट हैंडेड किया है बिकॉज विंटर में ऑलरेडी स्किन ड्राई हो गई थी मेरी, बट मेरा मेकअप फट नहीं रहा था, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज हमने वेल मॉइस्चराइज किया था अपने स्किन को, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी उसने ब्लश अप्लाई किया, उसने बोला भाभी मैं आपको कोई भी कॉन्टोर नहीं करूँगी और कोई भी हाईलाइटर नहीं करूँगी बिकॉज ये एवरी डे के लिए अच्छा हो जाएगा, मुझे दो तरह का मेकअप लुक सिखा दीजिए, एक हैवी सिखा दीजिए, एक लाइट। तो मैंने उसको अपने ऊपर लाइट वाला करवाया,
क्योंकि सिर्फ ब्लश अगर आप लगाते हो और कोई हाइलाइटर और कोई कॉन्ट्रोल नहीं लगाते हो तो आपका मेकअप बहुत ही अलग दिखता है। और सिर्फ आप कॉन्ट्रोल लगाते हो वो उसका अलग लुक आता है, सिर्फ हाइलाइटर लगाते हो उसका अलग लुक आता है। और तो उसने ये किया, फिर उसने बोला आई मेकअप भाभी कुछ सिंपल सा बता दीजिए। तो मैंने कहा जो तुमने ब्लश लगाया ना बस उसी को मेरे आईलिड्स पे लगा दो, अगर तुम सिर्फ कॉन्ट्रोल लगाती तो तुम मेरे आईलिड्स पे वो लगा देती, और अगर तुम सिर्फ हाइलाइटर लगाती तो मेरे आईलिड्स पे लगा देती। तो इससे क्या होता है मोनो लुक हो जाता है। तो अभी उसने लिप ग्लॉस लगाया, ये स्ट्रीट वेयर का 18 नंबर है बट ये आई थिंक अब मिलता नहीं है, तो आई डोंट थिंक मैं प्रोवाइड कर पाऊंगी। आप कोई भी लिप बाम लगा लेना, मैंने ग्लॉस लगवाया था क्योंकि विंटर है। अभी मैंने बिंदी लगाई है एंड ये मेरा होल लुक है, बहुत ही अच्छा, और आपको आगे ब्लॉग स्टाइल में मैं रिव्यू दूंगी। सो गाइज, वैशाली ने मेरा मेकअप जो है वो डन किया है, उसने बहुत सिंपल किया। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि वो पूरा प्रोसेस करेगी, पर उसने बोला कि भाभी आपको तो कहीं जाना नहीं है, तो मैं ऐसा कोई मेकअप कर देती हूँ जो यू नो नेचुरल सा लगे, ग्लोई सा लगे, अच्छा लगे। तो उसने मुझे फाउंडेशन लगाया, कॉम्पैक्ट लगाया, और उसने सिर्फ ब्लश लगाया, ना ही कॉन्टोर वगैरह, आई मेकअप वगैरह कुछ नहीं, अच्छे से मस्कारा लगाया। बट वो वाला क्लिप एक्चुअली शूट नहीं हो पाया क्योंकि मेरी बैटरी खत्म हो गई थी। फिर मैंने सोचा चलो इसे व्लॉग स्टाइल में एंड करेंगे, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाय द वे मेरे एक्चुअली आईब्रोज पहले ही मैंने कर लिए थे, काजल पहले ही कर लिए थे, तो उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। और लिप ग्लॉस से ये मेकअप लुक बहुत ही नेचुरल डेली के लिए अच्छा लग रहा है। सो अभी मैं थोड़ा सा वैशाली को लेती हूँ, उसने मेरा मेकअप, वो खुश है कि मैंने उसे अपना मेकअप करने दिया। तो अभी ये जो मेकअप है वैशाली का, ये मैंने उसका किया है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। बट वैशाली आप क्या कहना चाहती हैं, आपने मेरा मेकअप किया है? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत देख के मुझे आ गया कि मतलब कैसे मेकअप करते हैं, लाइटली मेकअप, और मैंने आप पे किया इतना प्यारा सा, मुझे थैंक यू बोल दो। हाँ मैंने तो थैंक यू बोला कि थैंक यू, और हमने फोटोज क्लिक किए हैं गाइस, तो मैं फोटोज इंसर्ट करूंगी डेफिनेटली। तो मैंने सोचा ऐसे व्लॉग स्टाइल में एंड करते हैं, एंड यस हमें बहुत मजा आया ये शूट करने में। सबसे ज्यादा स्पेशल थैंक्स टू टिया क्योंकि वो सो रही थी और उसकी वजह से ये वीडियो शूट हो पाई है, एंड मेरे हस्बैंड भी बिकॉज उन्होंने उसे पकड़ा संभाला है तो आज हम ये वीडियो शूट कर पाए। सो गाइस अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। मैं उस नाली मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।